पार्ट 6 में हम देखते हैं मिरीन वी भी कंपनी के लिए रेडी हो रहे हैं। कैन और तानिया भी बहुत एक्साइटेड है कंपनी के मीटिंग के लिए, क्योंकि उनका तो पक्का है वो कंपनी में तानिया इन्वेस्ट करने वाली है। पर वी और मेरीन बहुत ही परेशान भी हैं। वो बिग्नोय के घर पे जाते हैं, वहाँ बिग्नोय नहीं थी। वे अब सोच रही थी कि मीटिंग में कब तक आएगी, क्योंकि 3 दिनों से बिग्नोय का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मीटिंग में सब के सब उन्हीं के कारण देरी कर रहे हैं। कैनन की मोम वी को ताना मारती है कि तुम किस इन्वेस्टर से बात करके आए हो जो अभी तक नहीं आया। मुझे तो लगता है कोई आने वाला नहीं है। कैनन तान्या को सबसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। ग्रैंडपा नहीं चाहती कि तान्या कंपनी में इन्वेस्ट करे। अब वे मीटिंग लगभग खत्म होने वाली थी तभी बिग्नोय की एंट्री होती है। बिग्नोय को देखकर सब बिल्कुल हैरान थे। कैनन और कैनन की मोम तो बिल्कुल चल बन चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहते वी को कंपनी का हमेशा ही बॉस बने रहना। वी कंपनी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अब वी बिग्नोय को सब इंट्रोड्यूस करता है। बिग्नोय ग्रैंडपा से अकेले में बात करना चाहती थी, वो सबको बाहर जाने को कहती है। सब बाहर चले जाते हैं सिवाय कैनन की मोम की। ग्रैंडपा कैनन की मोम को बाहर जाने को कहते हैं। वो बहुत एम्बैरस फील करती है, वो बाहर चली जाती है। ग्रैंडपा और बिग्नोय अब बहुत सी पुरानी बातें, अपनी दोस्ती की चीजें, हर चीज पूछते हैं एक दूसरे से। बहुत ही खुश थे एक दूसरे से मिलकर इतने सालों बाद। अब ये इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं। बिग्नोय बिल्कुल रेडी थी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफिस के बाहर वाले एरिया में हम देखते हैं मिरीन वी और तानिया और कैनन थी, वे बातें कर रही थी। कैनन कहता है वी क्या बात है, तुमने बिग्नोय को ढूंढ ही लिया, वैसे तुमने उन्हें कैसे ढूंढा। वी कहता है शाबाशी तो मुझे मिरीन को देनी चाहिए, इसने उन्हें ढूंढा। कैनन कहता है काश मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता, काश तुम मेरी असिस्टेंट होती। ये सुनकर ताना भड़क जाती है। वो कहती है कि वो मिरीन को ताना मारते हुए कहती है तुमने बिग्नोय को कैसे ढूंढा, क्या तुम उसके घर सफाई के काम करती हो, इसीलिए तुम्हें बिग्नोय ने हेल्प करने के लिए मान गई। ये सुनकर मिरीन को बुरा लगता है। वी को भी गुस्सा आता है, वो ताना को चुप करने को कहती है। कैनन भी ताना को चुप करने को कहता है। ताना गुस्से में फिर से मिरीन को ताना मारती है कि तुमने अपने दोनों बॉस को फंसा रखा है, छोटे भाई और बड़े भाई दोनों को फंसा लिया, इनके साथ करती क्या हो। ये सुनकर तो और भी गुस्से में था, वो तानिया को डांटने लगता है। तभी ग्रैंडपा बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि तुम ऑफिस के बाहर क्यों लड़ रहे हो, यहाँ से जाओ। अब सब के सब अपने ऑफिस में जाते हैं, मिरीन भी वहाँ से जाने लगती है। तानिया मिरीन को धमकी देती है कि तुम्हें इस कंपनी से रिजाइन करना होगा, नहीं तो मैं तो शेयर होल्डर बनने ही वाली हूँ इस कंपनी में, जब मैं बन गई तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, हर वक्त तुम्हें तंग करती रहूंगी। मिरीन कहती है मैं तुम्हारे ऑर्डर को क्यों करूं, मैं नहीं करने वाली ये सब। तानिया उसे धमकी देकर वहां से चली जाती है। मिरीन परेशान हो जाती है कि वो क्या करे, हर वक्त उसे तानिया ताना ही मारती है। अब हम देखते हैं ग्रैंडपा कैनन वी और बिग्नोय सब साथ में बैठे हैं। ग्रैंडपा बहुत ही खुश हैं, वी की वो बहुत तारीफ करते हैं। कैनन ये देखकर कैनन को अच्छा नहीं लगता। बिग्नोय भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, ग्रैंडपा ने भी अप्रूव कर दिया है। ग्रैंडपा कैनन को कहते हैं कि तुम तानिया को लेके आए थे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, पर कोई बात नहीं इस वक्त वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर सकती है। कैनन बहुत ही सैड था, गुस्से में था। कैनन वहां से चला जाता है। उधर मिरीन को देखते हैं जो थोड़ी परेशान थी, वो छत पे चली जाती है और चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा उतारती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कैनन वहीं पर था। वो मिरीन को कहता है क्या बात है, सारी भड़ास यहीं पे निकाल रही हो। मिरीन तो डर जाती है, वो कहती तुम यहाँ पर कैसे। कैनन कहता है क्योंकि जब भी मैं सैड फील करता हूँ या गुस्से में फील करता हूँ मैं हमेशा इसी जगह पे आता हूँ। मिरीन कहती ठीक है मैं चली जाती हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कैनन कहता है नहीं नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ में भी यहाँ पर बातें कर सकते हैं। मिरीन अपनी मन की बात उसे कहने लगती है। वो कहती है कि पता नहीं तान्या किस बारे में बात कर रही है, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भाइयों में से मुझे कोई भी लाइक नहीं करता, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों सोचती है। कैनन कहता है क्या ये बात सच है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। मिरीन अब कंफ्यूज हो जाती है कि कैनन क्या कहना चाहता है। उधर भी अपने कैबिन में था, कैंडी खा रहा था, उसे लगता है कि मिरीन उसके कैबिन में ही होगी कहीं पर। वो कहता है मिरीन जाओ कॉफी बना कर लाओ, पर मिरीन तो वहाँ पर नहीं थी। अभी उसे ढूंढने लगता है। उधर छत पे कैनन और मिरीन वे बातें कर रहे थे। मिरीन अब कहती है कि मुझे जाना होगा, शायद वी मुझे ढूंढते भी होंगे। वो अब जाने लगती है पर गेट लॉक था, वो खोल नहीं पाती। गेट की चाबी कैनन के पास भी नहीं थी। कैनन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है पर फोन तभी बंद हो जाता है, क्योंकि कैनन के फोन में चार्ज नहीं था। कैनन कहता है मिरीन तुम अपने फोन से कॉल कर दो किसी को, वो अपने आप आके खोल देंगे। मिरीन कहती है मेरा फोन वी के ऑफिस में है। अब ये समझ जाते हैं कि वे छत पे अटक चुके हैं, कोई बाहर से ही आकर गेट खोल सकता है। मिरीन पूछती है कि तुम हमेशा से यहाँ पर आते हो। कैनन कहता है कि हाँ, जब भी मैं सैड फील करता हूँ 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मैं यहाँ पर जरूर आता हूँ। मैं वी की तरह नहीं हूँ, वो अगर कभी जाता है तो पूरे दिन के लिए जाता है। मिरीन को भी कैनन के लिए चिंता होती है, वो बस उसकी बातें गहराई से सुनते जा रही थी। कैनन कहता है तुम मेरे लिए चिंता मत करो, नहीं तो कुछ और हो सकता है, शायद मुझे ही अच्छा लग सकता है।
मिरीन कंफ्यूज हो जाती है। कैनन अपनी कई चीजें बताता है मिरीन को, मिरीन सुनते जा रही थी। कैनन मिरीन की बहुत तारीफ करता है कि तुम कितनी अच्छी सेक्रेटरी हो, काश तुम मेरी सेक्रेटरी होती, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है और अब तुम वीके असिस्टेंट हो तो मैं तुम्हें छीन भी नहीं सकता। बस एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बातें कर रही थी तभी वी भी वहाँ पर आ जाता है। कैनन और मिरीन को साथ में देखकर वो बहुत ही जेलस था। वो कैनन को कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऊपर से डोर लॉक भी है, सच सच बताओ क्या कर रही थी। कैनन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वी मिरीन से कहता है तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, ना ही मुझे कॉल किया। मिरीन कहती है मिरीन उसे बताने वाली थी कि फोन उसके कैबिन में है लेकिन वो बोलने ही नहीं देता। अब उसका हाथ पकड़ते हुए अपने कैबिन में लेके जाता है और बहुत डांट लगाता है। मिरीन भी उसे समझाने की कोशिश करती है। वी बार बार मिरीन से पूछता है ये बताओ कैनन और तुम्हारे बीच कौन सी बातचीत चल रही थी। मिरीन कहती है हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सब सीक्रेट है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। वी अब बहुत ही क्यूरियस था कि आखिर वो मेरी सेक्रेटरी के साथ मिरीन के साथ क्या बातें कर रहा था। वो बार बार पूछता है मिरीन से पर मिरीन नहीं बताती है। अब वो गुस्से में बहुत सारे रजिस्टर निकालता है और मिरीन को कहता है ये सारा कुछ याद करो और मुझे बताओ और आज पूरे दिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, कहीं भी नहीं जा सकती। मिरीन बिल्कुल सैड हो जाती है, वो समझ आती है कि वी बहुत ही गुस्से में है। उधर कैनन बहुत सैड था कि मिरीन उसकी सेक्रेटरी क्यों नहीं है। वो अब अपने मन में कहता है कि वी मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत ही पसंद है और मैं उसे चुराना चाहता हूँ तुमसे। उधर कंपनी के जो प्रोग्रामर थे बहुत ही परेशान थे, वैसे वे कैनन की तारीफ कर रहे थे लेकिन वी की बुराई। वे कैनन को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि कैनन ही कंपनी का नया बॉस होगा। इसीलिए शाम हो चुकी थी, वी अपने कैबिन में था, साथ में मिरीन भी। मिरीन सो चुकी थी, वी अब उसके पास जाता है। जैसे उसके पास जाता है मिरीन झुक जाती है, वो उसके कंधे पे आ जाती है। वी उसको देखे जा रहा था तभी वहाँ पर मेड आ जाती है, वो सफाई करने और लाइट ऑफ करने आई थी। वी उसको जाने को कहता है लेकिन उसको देखकर वो मिरीन जो उसके पास थी उसे जोर से धक्का मारता है और मिरीन बिल्कुल कोने में जाके पड़ती है। उसके गर्दन में भी दर्द हो जाता है। वो वी पे चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे बॉस हो, तुमने कैसे मुझे धक्का मारा। ये मेड भी देख रही थी लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वी मिरीन को डांटता है कि तुम मुझे अकेले में डांट सकती हो लेकिन किसी के सामने नहीं, क्योंकि अगर तुमने किसी के सामने मुझे डांटा वे मेरी पीठ पीछे और भी बातें करेंगे, मुझे क्या समझेंगे कि मैं कंपनी का बॉस हूँ और मेरी सेक्रेटरी मुझे डांट रही थी। मिरीन कहती कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे जोर से धक्का मारा, मेरी हड्डी टूट जाती तो क्या होता। अब दोनों लड़ रहे थे, क्यूट फाइट कर रहे थे। अब दोनों लिफ्ट के पास जा रहे थे, कैनन भी उन्हें रास्ते में मिल जाता है। वी कहता है कि कैनन क्या तुम्हें नींद आ रही है। कैनन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे नींद आ रही है। वी कहता है मिरीन और मैं तो अभी अभी सो के उठे हैं। ये सुनकर कैनन कहता है क्या तुम दोनों साथ में सोए थे। मिरीन घबराते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझो कि मैं तो काम करते करते सो गई थी लेकिन वी जो था मुझे काम करते करते देखते देखते सो गया था। दोनों अलग अलग थे। कैनन कहता है कि हाँ वी की तो इसमें मास्टरी है। अब तीनों लिफ्ट में चढ़ते हैं तभी लिफ्ट में लाइट चली जाती है, लिफ्ट अटक जाती है। मिरीन घबराने लगती है। वी मिरीन को ताना मारता है कि तुम जहाँ भी जाती हो मुसीबत खड़ी हो जाती है, अभी देखो लिफ्ट अपने आप ही रुक गया। मिरीन कहती है इसमें मेरी क्या गलती, देखो हम तीनों ही एक साथ है। पर वी मिरीन को बार बार कह रहा था तुम एक अनलखी चीज हो, हर जगह जाती हो। वो बार बार उसे डांटता है। मिरीन भी वी को डांटती है। दोनों एक दूसरे को बार बार फाइट करने लगते हैं। ये देखकर कैनन थोड़ा अकेला फील कर रहा था। वो कहता है लगता है मैं बीच में तुम दोनों के बीच में दरार डाल रहा हूँ, शायद मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वी अब कैनन से पूछता है क्या तुम अकेला फील कर रहे हो, क्या तुम्हें बुरा लगा। कैनन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी लिफ्ट चालू हो जाती है, वे अब बाहर आते हैं। मिरीन फटाफट वहाँ से दूर जाने लगती है कहीं इसके कारण उन दोनों भाइयों के बीच कुछ गलत ना हो जाए। वी दोबारा पूछता है कैनन क्या तुम्हें बुरा लगा था। अब कैनन जवाब देता है, वो कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कहते हुए कैनन वहाँ से चला जाता है। वी अब सोच में पड़ जाता है। अब वी मिरीन से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि कैनन की आवाज से लग रहा था शायद वो सच में गुस्से में था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा था। मिरीन कहते हैं वो बहुत ही सीरियस था, बहुत ही गुस्से में था। ये सुनकर वी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कैनन आखिर सोच क्या रहा था। उधर में एक बंदे को देखते हैं, ये वही बंदा था जो मिरीन पे जासूसी कर रहा है। वो मिरीन की आइडेंटिटी देखता है और ये बात कैनन की मॉम को बताता है। अब कैनन की मॉम को भी शायद पता चल गया है। उधर मिरीन अपने घर पे पहुंच गई थी। उसकी मॉम पूछती है कि क्या कंपनी का काम हो गया। मिरीन सारी चीज बताती है कि बिग्नोई थोड़ी सी लेट हुई थी लेकिन जब वो आई उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है इस हिसाब से तुम कंपनी कल ही रिजाइन कर दो क्योंकि तुम्हारा काम तो हो गया ना। मिरीन सैड हो जाती है, वो कहती है कि बस कुछ दिन और। मिरीन की मॉम कहती है कि देखो मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन वी की मॉम के बारे में तुम बहुत कुछ जानती हो और अगर वी को ये बात पता चलती है या किसी और को तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो तुम्हें फिर भी गलत ही समझेंगे, ऐसा कुछ हो उससे पहले तुम रिजाइन कर दो। मिरीन भी जानती है कि उसकी मॉम सही कह रही है। नेक्स्ट डे जैसे होता है मिरीन केक बनाती है, चर्च जाती है, वी की मॉम से मिलती है, उन्हें वी की बहुत सारी फोटोज दिखाती है, केक खिलाती है।
उन्हें बताती है कि वो कंपनी जल्द ही रिजाइन करने वाली है। अब वो वी की खबरें उनको बता नहीं पाएगी, उसकी फोटोज उन्हें दिखा नहीं पाएगी। ये सुनकर वी की मम को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि तुम क्यों रिजाइन कर रही हो, तुम्हारी क्या गलती। मेरीन कहती है कि क्योंकि मैंने धोखे से ये जॉब ली है, आपका नाम यूज किया, आपकी कॉफी रेसिपी यूज किया है, मैं आपके बारे में इतना कुछ जानती हूँ, कहीं आप खतरे में पड़ जाओ तो क्या होगा। मेरीन की मोम कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी मेरे बारे में सिर्फ तुम और तुम्हारी मोम जानती है, इसके अलावा कोई भी नहीं। और एक और चीज, बचपन में मैं उसके दिल के करीब थी, लेकिन अब तुम उसके दिल के करीब हो, अगर तुम कंपनी रिजाइन कर दोगी तो भी बिल्कुल टूट जाएगा, वो फिर से किसी को दिल लगा नहीं पाएगा, वो ना ही किसी पे विश्वास कर पाएगा। मेरीन अब कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे। उधर हम देखते हैं जो कैनन की मोम का आदमी है जो मेरीन पे स्पाई करा था, वो उसका पीछा करते करते चर्च में आ गया था। वो उन दोनों को, मेरीन और वी की मोम को साथ में देख लेता है, उनकी फोटोज खींचता है और कैनन की मोम को देता है। वो मेरीन के बारे में ए टू जेड सारा कुछ बता देता है कि मेरीन का असली नाम क्या है, मेरीन ने फेक नाम ये रखा था, और वो वी और वी की मोम के बारे में इतना कुछ जानती है। ये सुनकर अब कैनन की मोम हंस रही थी, अब शायद वो वी की मोम की ये सारी चीजें एक वेपन के रूप में यूज करेगी, अब वो शायद वी की मोम को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब वी की मोम वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी, वो बहुत ही खुश थी, तभी वहाँ पर कैनन की मोम आती है, उन्हें ताना मारती है, उन्हें डांटती है कि भले ही तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर रही हो लेकिन मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ना ही मेरी फैमिली को तुम्हें एक्सेप्ट करने दूंगी, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर वी की मोम को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।